दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं दिल्ली की मार्केट एक्सप्लोर करने। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कलसंग, और कलसंग जो है काफ़ी फेमस है मसूरी में। अगर आप लोग मसूरी गए आपको पता होगा, लेकिन मैं आज मसूरी में नहीं हूँ। मैं हूँ दिल्ली का, आप छोटा तिब्बत कह लें, मैकलोडगंज कह लें, मैं हूँ इस समय मजनू का टीला मार्केट में। जी हाँ, जो कि अरुणा नगर में है। सो ये मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए तो मार्केट एक्सप्लोर कराते हैं आपको, जो कि छोटा तिब्बत है, मैकलोडगंज भी है दिल्ली का। तो ये जो है अरुणा नगर कॉलोनी में है, मजनू का टीला मार्केट के नाम से फेमस है। तो दोस्तों घुसते ही आपको ऐसे शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी जहाँ शूज़ वगैरह आप ले सकते हैं। अंदर काफ़ी दुकानें हैं, तो पहले ही घुसते ही है। तो ये है कलसंग, और ये काफ़ी फेमस है आपको मसूरी अगर आप गए होंगे तो आपने वहाँ पर भी इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ खाया होगा। मेरा काफ़ी फेवरेट रेस्टोरेंट है मसूरी का, जो कि यहाँ पर भी है। सो चलिए आगे और मार्केट में देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों हम मार्केट में आते हैं, काफ़ी धूप है। गर्मियों में क्या होता है कि धूप रहती है, सो फेस काफ़ी डस्ट चिपक जाती है बाहर, इतने पोल्यूटेंट्स हैं दिल्ली के अंदर, और काफ़ी स्किन डल सी लगने लगती है, ऑयली भी है, दाने भी हो जाते हैं। सो इसके लिए मैं इलाज करता हूँ घर पर, जब भी मैं ट्रैवल करके जाता हूँ या ट्रैवलिंग से पहले या ट्रैवलिंग के दौरान अगर लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ अपने साथ कुछ प्रोडक्ट्स रखता हूँ। सो आपको मैं फ्लैशबैक पे लेके चलता हूँ, 2 मिनट की वीडियो रहेगी, उसे देखिएगा कि मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। सो जो मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट है वो मैं यूज़ करता हूँ, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं घर पर, उसके बाद वापस यहाँ पर ही मार्केट में पहुँच जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर है 3 प्रोडक्ट हिपस्टर के। जी हाँ, मेंस ग्रूमिंग काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, ट्रैवलिंग करते हैं या आप अपने काम पे जाते हैं, डेली बाहर रहना होता है, तो गर्मी में खास करके काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा बहुत अपने स्किन का भी ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है यार कि सिर्फ फीमेल्स रखेंगे, हमको भी ज़रूरत पड़ती है। तो घूमने से क्या होता है, डेड स्किन, पोल्यूटेंट्स, काफ़ी कुछ स्किन पे चिपक जाता है बाहर, डस्ट वगैरह, सो सबको क्लीन करने के लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है। सो जो मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं इस समय, वो हैं हिपस्टर के, हिपस्टर ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, मेंस हिपस्टर ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, जिसमें कि एक है एक्टिवेटेड फेस वॉश और एक्टिवेटेड, ये चारकोल एक्टिवेटेड हैं ये तीनों चीज़ें, फेस वॉश है, इसके अलावा स्क्रब है, और तीसरा है पील ऑफ मास्क। सो देखते हैं तीनों में क्या क्या है और यूज़ करेंगे, सो क्या चेंज आता है। पसीने से काफ़ी ख़राब हो जाता है तो ज़रूरी रहता है, कभी कभी मैं ट्रैवल करने जाता हूँ तो यूज़ कर लेता हूँ पहले, कभी कभी आके भी कर लेता हूँ, सो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सो सबसे पहला जो है हमारे पास है फेस वॉश। सो ये एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश है, जो खासियत है इसकी डिटॉक्सीफाई स्किन और आपके बैलेंस ऑयली स्किन, फाइट्स विद एक्ने, सो यानी कि दाने वगैरह हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह, उनसे फाइट करता है, क्लीन करता है बिल्कुल बढ़िया से आपके फेस को, डेड हेड्स ख़त्म करता है। सो ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, मैंने भी ऑनलाइन परचेज करा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। यह है हिपस्टर के प्रोडक्ट, और ख़ास बात यह है कि ये इंडियन मेड है। सो दूसरा दोस्तों मेरे पास है स्क्रब, जो कि मैं सेकेंड नंबर पर यूज़ करता हूँ, पहले हम फेस वॉश यूज़ करता हूँ, फिर स्क्रब और फिर चारकोल फेस मास्क। सो एक तो खासियत ये है कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और कंपैरिजन ऑफ दूसरे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में है, रेट भी इसके अच्छे हैं, जेन्युइन है और रिजनेबल प्राइस में ये अवेलेबल है। स्क्रब में भी वही एक्टिवेटेड चारकोल मिल्क एंड वॉलनट स्क्रब है ये, सो आपके डीप क्लीन पोर्स करता है, फिर से ये डीप क्लीन करता है आपको डेड स्किन्स को, जो भी डेड स्किन्स होती है, प्लूटेंट्स होते हैं सारे, जो डस्ट वगैरह चिपक जाती है, जो उनके पोर्स में चली जाती है, उन सबको क्लीन करके ये निकालता है स्क्रब। सो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसे यूज़ करने के बाद आपको क्लीन ग्लोइंग सॉफ्ट स्किन मिलती है। सो ये स्क्रब हिपस्टर। तीसरा है अपने पास इसका पील ऑफ मास्क। सो जो मास्क, इसके बारे में बात कर लेते हैं मास्क के बारे में। सो मास्क भी मिल्क प्रोटीन एंड एलोवेरा से युक्त है, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन और एलोवेरा दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये भी रिमूव्स ब्लैक हेड्स रिमूव करता है, वाइट हेड रिमूव करता है, डिटॉक्सीफाई स्किन्स और क्लीन्स योर पोर्स, और इंस्टेंट ग्लो देता है, यानी कि ये मास्क के बाद भी आप एक बढ़िया अपना सुंदर जो है क्लीन फेस प्राप्त कर सकते हैं। सो सबसे पहले यूज करेंगे फेस वॉश। सो दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ चेहरा साफ हुआ है फेस वॉश के बाद, सो पहले साफ करना बेटर रहता है। इसके बाद अब हम यूज करेंगे इसका स्क्रब। Thank you.
सो दोस्तों ये वो तीन प्रोडक्ट थे जिसे लगा के स्किन हो गई बड़ी स्मूथ ग्लोइंग एंड साफ लग रही है। लग रही है तो आप ही बता देना, बाकी चलो वापस लोकेशन पे चलते हैं और मार्केट आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से आपको यहाँ पर जेंट्स लेडीज और काफ़ी जो है ना यहाँ पर ट्रेंडी आपको मिलते हैं लुक, थोड़ा सा ट्रेंडी और फैशनेबल मिलेगा यूथ के हिसाब से, थोड़ा डिफरेंट। सो नॉर्मल शॉप से थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। सो आरती साथ में फिर से एक बार, हेलो। तो ये देखिए इस टाइप से शॉर्ट्स वगैरह, रेट भी जानने की कोशिश करते हैं अगर पता लग पाता है तो। बाकी यहाँ कैफेज भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो कुर्ते शॉर्ट्स पड़े हैं, पजामा हैं, काफ़ी काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो ऐसे देखते हैं कुछ। सो ये आ गए हैं, वाइट कलर में है ये। सो अभी रेट पता करने की कोशिश करते हैं क्या रेट है, अगर पता लग पाता है तो आपको बताते हैं एक आध चीज़ का। तो ये वाला कुर्ता जो है ये 500 का है, 450 है। तो काफ़ी वैरायटी इनके पास लगी हुई है, तो ये आपको अंदर शॉप मिल जाएगी। कलसंग के नेक्स्ट ही है, पाउच वगैरह हैं। तो ये 300 रुपये के हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, ट्रेंडी हैं, काफ़ी कलर्स और काफ़ी वैरायटी मिल जाएंगी आपको इसमें भी। तो आप ये देख सकते हैं, हाँ, वो डबल है। ये देखिए खोल के भी दिखा रहे हैं कितना बड़ा भी है। ओके सो अंदर भी इनके पास काफ़ी कुछ है। सो लेडीज़ फुटवेयर वगैरह की शॉप भी मिल जाएगी, बैग वगैरह भी हैं। तो इस मार्केट में काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है ट्रेंडी। तो एक शॉप में हो रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको लेडीज़ प्रोडक्ट्स हैं जो कि टॉप्स वगैरह हैं, अलग अलग रेंज के, रेट भी भैया ने लगा रखे हैं 300 300, सही लग रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा ट्रेंडी मिल सकते हैं, जैसे तुम चाहती थी ना ढूंढ सकती हो। सो ये 200 का है ये वाला, तो अलग अलग रेंज है 300। बैग्स भी हैं इनके पास। सो ये सर ये वाली शॉप जो है ये कलसंग की लेन में है। शूज़ वगैरह भी इनके पास, फुटवेयर वगैरह भी, तो आप देख सकते हैं। तो ये 600 का है, मैचिंग हो गया, मैचिंग हो गया। तो लेडीज़ फुटवेयर भी इनके पास 500 का जैसे ही है। तो अलग अलग काफ़ी डिज़ाइन हैं। ये कितना का? 900। तो ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और शॉप नंबर क्या रहेगा भैया अपने को? शॉप नंबर है टी एन सी करके है, कलसंग वाली लेन में ही है, जो मैंने आपको अभी कलसंग दिखाया था उसी लेन में है। सो अगर आपको यहाँ कुछ ऐसा पसंद आ रहा है तो आप मजनू का टीला मार्केट में आकर अपना परचेज कर सकते हैं। कैसे ही लगे तो ड्रेसेस भी लगे हैं यहाँ पे इस टाइप से। ओ ये तो पूरे वाला सेट है। तो कोरोना के चलते काफ़ी दुकानें यहाँ पर बंद हैं और काफ़ी आपको अंदर रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी मिल जाएंगे। तो खाने पीने का यहाँ पे सारा कुछ है, कोरियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो इस टाइप से यहाँ डेकोरेशन का सामान है सारा, तो अगर आपको डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। मार्केट में जो है ना कैफ़ेज़ की कमी नहीं है, मतलब अगर आप दिल्ली में हैं तो आप यहाँ आए होंगे। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, सही बताऊँ तो इतने सालों से दिल्ली रह रहा हूँ तो यहाँ फर्स्ट टाइम आना हुआ है। काफ़ी बार प्लान करा था लेकिन आ नहीं पाए। तो कैफ़ेज़ तो इतने कि आप यहाँ पर आके पार्टी वगैरह कर सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ। तो आपको ले चलते हैं यहाँ के फेमस कैफे। तो ये काफ़ी फेमस 19। तो ये काफ़ी फेमस कैफे और यहाँ पे कोविड का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन प्लस आपका नाम और स्कैनिंग हो रही है पूरी। तो हमें ऊपर भेज दिया गया है, ऊपर हमने ऑर्डर दे दिया है। हमने मंगवाया है आइस पीस टी और एक ग्रिल्ड वेजिटेबल सैंडविच। सो देखते हैं कैसा है टेस्ट यहाँ का। बाकी एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और मार्केट के अंदर वैसे तो काफ़ी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर आपको, तिप्तियन कोरियन रेस्टोरेंट्स भी मैंने आपको जैसा कि दिखाया। सो इस टाइप से काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ये जो है इसका मैंने नाम काफ़ी बार सुना हुआ था, तो फर्स्ट टाइम मैं इसके अंदर आया हूँ और मार्केट में ही फर्स्ट टाइम आया हूँ।
अभी खाते हैं तो टेस्ट भी बता देंगे आपको कैसा है। तो बाकी इस टाइप से आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट है, ये तो टू का है, तो सामने बैठ गई आरती। सो ये बाकी सामने फ्री वाईफाई वगैरह लिखा हुआ है, सामने उनका काउंटर है, सामने सिटिंग एरिया है। सो आइस टी, सो पीच आइस टी मैंने कभी ट्राई नहीं करी, नॉर्मल आइस टी तो देखी है। सो मैडम जी पियेंगी हमारी, इन्हीं से पूछते हैं कैसा लगा टेस्ट। खुश हो गई कह रही है मस्त। सो ये आ चुके हैं अपने ग्रिल्ड वेज सैंडविच विद फ्राइज, सो अब हम इसे भी खाएंगे। सो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग है, और ये है तो काफ़ी फेमस है तो अच्छा ही होगा। खैर मैडम जी तो शुरू हो गई। तो कैफे से बाहर आके खा पी के अब थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं फटाफट। दिक्कत ये है कि शॉप्स के अंदर जो है ना, जो खास करके गारमेंट्स की शॉप होती है, वहाँ पे अंदर वीडियो नहीं बनाने देते। उसका रीज़न जहाँ तक जो समझ आता है वो यही मुझे समझ आता है, क्योंकि फर्स्ट कॉपी वो रखते हैं मोस्टली, तो मैं भी उन्हें डर रहता हूँ कि मार्केट के अंदर की वीडियो, अंदर की दुकान की वीडियो नहीं बनाने देनी है। क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है मार्केट में जब भी जाता हूँ, जहाँ शूज़ खास करके होते हैं या कुछ ब्रांडेड टी शर्ट पड़ी होती है, वहाँ पर वो अंदर नहीं बनाने देते। तो उसका रीज़न यही है कि वो शायद कॉपी प्रोडक्ट्स होते हैं। खैर चलिए, आपको ऐसी यहाँ पर चीज़ें दिखती रहेंगी, मार्केट आई ओवरऑल पूरी घूमते हैं। लेकिन अंदर शॉप्स के अंदर मैं गया हूँ तो डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है ट्रेंडिंग है, मतलब एक लेटेस्ट और डिफरेंट थोड़े आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, जैसे यहाँ पर ये टॉप्स के टॉप वगैरह की दुकानें हैं और भी, तो आप देख सकते हैं अंदर दुकान है और ये रेट वगैरह लगे हुए हैं। सो 400-300 इस टाइप से यहाँ पर मिल जाएंगी सारी चीज़ें आपको। सो काफ़ी शॉप्स हैं ऐसी यहाँ पर। तो स्लीपर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर काफ़ी। साफ करने के लिए है, स्लीपर्स हैं काफ़ी। क्या रेट है भैया? 850। सो इस टाइप से 750। सर डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं यहाँ। सो ऐसे मार्केट में आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा यहाँ पर। तो ये सारे गलियों के अंदर है मार्केट, काफ़ी बंद भी पड़ी है शायद कोरोना वगैरह की वजह से। ये इस मार्केट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आ गए हैं, जहाँ पर आपको इनके सो मोनेस्ट्री मिल जाएगी। सो ये इधर से जाएगी ना, इधर से जाएगी। मार्केट से बाहर आ गया, सो बेसिकली दिखाने को ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी दुकानें बंद थी जैसा कि लगा, और पूछा तो उन्होंने बताया भी बंद है, और कुछ दुकानों के अंदर जा नहीं पाया। फिर भी जो ओवरऑल है एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, यहाँ पे थोड़े ट्रेंडिंग आपको कपड़े मिल जाएंगे। आप बाहर रोड पे मैं घूम रहा हूँ, आप देख सकते हैं, फिर भी तो बाहर रोड पे भी यहाँ पर आपको ऐसे शॉप मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं शर्ट, जैसे गोवा वगैरह जाना हो तो इस टाइप की आपको शर्ट्स वगैरह यहाँ, कुछ फैंसी शर्ट्स और जीन्स वगैरह सब यहाँ पर पूरे शॉप पूरी मार्केट में मिल जाएगी। ओवरऑल इस वीडियो में यही था, जाना मोनेस्ट्री था, जा नहीं पाए, वहाँ कुछ काम चल रहा है, आपको ये मार्केट दिखा दी उससे आगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा क्या आप इस मार्केट में पहले कभी आए हैं, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नई लोकेशन नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।